Hello everybody, this is Hemant, your tutor at The Learner. These are some of my qualification and work experiences, so let's begin today's session. Heat wave. क्यों हीट वेव क्यों आज का टॉपिक है? बिकॉज आप न्यूज में देखेंगे तो आप पाएंगे कि अप्रैल 23, जो बिल्कुल एक रीसेंट न्यूज है, अप्रैल 23 में त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, त्रिपुरा आपको पता होगा एक हिल स्टेशन में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री है और हिली एरिया है. हिली एरिया में हमने हीट वेव का इम्पैक्ट देखा. दिल्ली जैसे ये प्लेन्स, दिल्ली एक प्लेन्स में आता है. अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जो टोपोग्राफी है वो प्लेन एरिया में आती है. तो प्लेन एरिया में हीट वेव का इम्पैक्ट होना नॉर्मल बात है. नॉर्मल नहीं है, लेकिन जो कॉमनली देखते हैं वो प्लेन्स में देखते हैं. लेकिन त्रिपुरा जैसे हिली एरिया में हीट वेव आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. तो वहां पे हमने हीट वेव का इम्पैक्ट देखा, वो भी अर्ली अप्रैल में. और दूसरी न्यूज आप देखेंगे, ये है इंडियन एक्सप्रेस की. यहाँ पे दे रखा है कि स्कूल टाइम रिवाइज करें ड्यू टू हीट वेव. सो बिकॉज ऑफ ये करंट न्यूज में है, क्लाइमेट से रिलेटेड है, सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव ऑफ JCA, राइट. सो अब हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी को. जैसे कि आप देख सकते हैं जो फिगर वन है उसमें एक शंभू रिक्शे वाला दिखा रहे हैं, बहुत खुश है, मौसम बहुत अच्छा है और अपना ये रिक्शा चला के अपना जीवन यापन करता है. तो शंभू जो नॉर्मल डेज में जब सुहाना मौसम होता है तो ये 400 से 500 रुपए पर डे के कमाता है. सो 400 से 500 रुपए कमाता है तो अच्छे से अपनी फैमिली का ये भरण पोषण कर लेता है, अपनी डॉटर को एजुकेशन दे देता है और बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करता है. बट जैसे ही हीट वेव आती है तो देख रहे हैं कि हीट वेव आ रखी है और शंभू की हालत हो गई खराब. तो हीट वेव और नॉर्मल डेज में शंभू की इनकम पे क्या फर्क पड़ता है? इनकम उसकी एकदम हाफ हो जाती है कि ये मुश्किल से 200 रुपए कमा पाता है. जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो डॉटर होती है चंपा, वो अपनी हायर स्टडी फॉलो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी वो जल्दी शादी कर देता है, तो चाइल्ड मैरिज कर देता है उसकी एक तरह से. और क्या होता है, क्योंकि इनकम कम हो गई तो डेफिनेटली बात है कि फूड से वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्वालिटी फूड नहीं खा पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट. और क्योंकि इनकम कम है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो वो फिर से इस पॉवर्टी ट्रैप में फंस जाएंगे. तो आपने देखा कि कैसे एक जरा से हीट वेव ने शंभू की लाइफ को कहां से कहां पलट दिया. कि शंभू पहले अपना खुश अपनी लाइफ हैप्पीली जीता था और अब वो वहीं अपनी बेटी की चाइल्ड मैरिज कर दी, माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है और पॉवर्टी ट्रैप में फंस गया है. जैसे शंभू के साथ हुआ वैसे ही बहुत सारे इंडियन लेबरर्स के साथ होता है. कौन कौन, जो जिन्हें कहते हैं विक्टिम्स ऑफ दी हीट वेव. कौन सी वो पॉपुलेशन जो आती है इस कैटेगरी में, विक्टिम ऑफ दी हीट वेव, वो आती है एक लेबरर क्लास, राइट. आप देखेंगे मार्जिनल फार्मर, और गिग वर्कर. आप देखते होंगे स्विगी वगैरह से आप ऑर्डर करते हैं तो वो कैसे धूप में जूझते हुए आते हैं. तो उनकी इनकम भी विंटर और समर में बहुत वैरी करती है. विंटर में उनकी इनकम ज्यादा होती है, समर में कम होती है, क्योंकि समर में हीट वेव की वजह से वो प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पाते. तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी स्टोरी ने कैसे नरेट कर दिया कि हीट वेव के कितने सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट. सो हम आज डिस्कस करेंगे हीट वेव होती है तो क्या रीजंस है उसके, व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीट वेव एंड क्या प्रोबेबल सॉल्यूशन हो सकते हैं हीट वेव के, राइट. सो आज
की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कि व्हाई डू वी फेस हीट वेव? हीट वेव हम फेस क्यों करते हैं, रीजंस क्या है हीट वेव के आने के? सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। आपको सभी को पता होगा क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है आजकल। तो ग्लोबल वार्मिंग इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव आती है। बट ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है, क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है, उसके सेवरल रीजंस हैं, जैसे कि व्हीकुलर पॉल्यूशन। राइट, हम व्हीकल चलाते हैं, व्हीकल में क्या यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में क्या होता है, CO2। तो जब व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है तो उससे CO2 एमिशन होता है। CO2 से होता क्या है, CO2 क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है हीट को, हीट एब्जॉर्प्शन का काम करता है CO2। तो जब हमारा कार्बन का इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। राइट, सेकेंड रीजन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से कैसे पॉल्यूशन होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी से पॉल्यूशन होता है तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को क्यों प्रमोट करती है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया जैसी कंट्री में 75% इलेक्ट्रिसिटी, छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है, 75% जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट में होता है। राइट, तो आप कह सकते हैं जब गवर्नमेंट प्रमोट करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो वो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो जो पाइप होता है जिससे धुआं निकलता है उसको चेंज कर रही है। अब वो धुआं कहीं और निकलेगा जहां पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, ना कि रोडों पे। अब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट कर रही है तो क्या हो गया कि रोड्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं जिनसे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जीरो एमिशन कहते हैं ना उसे, जीरो एमिशन हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट्स में, और इंडिया में 75% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट में प्रोड्यूस होती है। तो आप कह सकते हैं कि जस्ट वो पाइप चेंज कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिंग पाइप, उसको चेंज कर रहे हैं और कुछ चेंज नहीं कर रहे। राइट, और क्या रीजंस हो सकते हैं, और बहुत बड़ा रीजन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, कि जैसे जैसे हम एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं वैसे वैसे हम जो एनवायरमेंट क्या करता है, CO2 सिक्वेस्ट्रेशन करता है ना। ये क्या होता है CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्या होता है कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे जो हमारे जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, हमारे पेड़ ले लेते हैं CO2, राइट, और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इन्होंने क्या लिया, CO2, और एमिट क्या किया, ऑक्सीजन। तो ये क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन क्योंकि हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं तो हम पेड़ों को काट रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस था वो अब इम्बैलेंस होता रहा है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। राइट, अभी इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या देखा कि क्यों पॉल्यूशन हो रहा है, क्या रीजंस क्या है पॉल्यूशन के। हमने देखा पॉल्यूशन व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से हीट वेव निकल रही है, तो उसके रीजंस क्या क्या है, व्हीकुलर पॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन से कैसे, 75% इलेक्ट्रिसिटी कहां से आती है, कोल बेस्ड पावर प्लांट से। राइट, तो जिसकी वजह से CO2 एमिशन हो रहा है, एमिशन की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। राइट, और थर्ड इज डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि CO2 सिक्वेस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। तो कोई किसी, ये हम ही बोल रहे हैं, किसी रिपोर्ट ने भी बोला ऐसे नहीं, बिल्कुल रिपोर्ट ने बोला है, एक वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन,
जिसने अपनी एक रिपोर्ट में बोला कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हीट इवेंट्स विल बी 30 टाइम्स मोर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा कि जो हीट वेव इवेंट पहले होते थे वो 30 गुना ज्यादा हो जाएंगे। कौन कौन सी कंट्री में? इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो आप देख सकते हैं कि हीट वेव का रीजन और कोई नहीं, ह्यूमंस ही है। मैक्सिमम जो आप प्रॉब्लम्स अर्थ में पाएंगे उसका रीजन एक ही है, ह्यूमंस, और कोई नहीं है। सो सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है। लेकिन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता कैसे है, कैसे हम इकोलॉजी को इम्बैलेंस कर रहे हैं, हाउ, कैसे कर रहे हैं हम, कुछ आइडिया? सबसे सबसे बड़ी चीज हम क्या करते हैं, डिफोरेस्टेशन, राइट। डिफोरेस्टेशन का रीजन क्या होता है, ह्यूमन वांट, रिक्वायरमेंट फॉर लैंड, यही तो रीजन है डिफोरेस्टेशन का, वरना हम क्यों करेंगे। सेकंड थिंग हम क्या करते हैं कि वेटलैंड डिग्रेडेशन, जो आप लोग गांव वगैरह के होंगे तो आपने देखा होगा कि गांव में पहले कुएं होते थे, वेल होते थे, राइट। अब वो खत्म हो चुके हैं। कैसे खत्म हो चुके हैं? क्योंकि ह्यूमंस ने क्या कर दिया कि अब वेल की जरूरत नहीं रही। क्यों? क्योंकि अब पाइप सिस्टम हो गया है, तो उसमें पत्थर वत्थर डाल डूल के उसको मिट्टी से भर दिया एकदम, तो उसको डिग्रेड कर दिया है। तो उसका उससे होता क्या था, वेल की इंपॉर्टेंस क्या थी? एक तो पानी तो वो देता ही था, पानी के साथ साथ वो क्या करता था कि एनवायरनमेंट को कूल करता था। क्यों? क्योंकि वहां से एयर फ्लो करती थी, एयर फ्लो जाती थी, यहाँ से एयर फ्लो ठंडी होके अपना आ जाती थी। लेकिन अब वो रहा ही नहीं, तो एयर क्या करती है और हॉट हो जाती है, ठीक है। तो एक ये रीजन है, और क्या रीजन है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की वजह से कैसे इकोलॉजिकल इम्बेलेंस होता है? एग्रीकल्चर कहाँ करते हैं हम? लैंड पे करते हैं। तो एग्रीकल्चर की वजह से होता क्या है, लैंड क्लियरेंस, लैंड को क्लियर करते हैं जहां पे पहले कभी फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट लैंड को हम करते थे, तो वो क्लियर करके अब क्या करने लग गए, अब वहां में एग्रीकल्चर करने लगे, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नेचुरल वे था CO2 को रिड्यूस करने का, जो हमने देखा था सिक्वेस्ट्रेशन, वो डिग्रेड हो गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और जिसकी वजह से अपना हीट वेव होती है, राइट। देखो मैं एक सर्कल बनाकर दिखाता हूँ, ये एक ट्रैप है, राइट। यहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, राइट। अब फॉरेस्ट को हमने काट के क्या कर दिया, लैंड कर दिया। अब यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर की वजह से क्या होता है, जो पहले जो रिड्यूस हो गया CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, हो गया रिड्यूस, रिड्यूस होने की वजह से क्या हो गया कि मोर हीट हो गई। हीट की होने से क्या हो गया कि ये अपने आप ही डिफोरेस्टेशन हो गया, राइट। सो ये एक सर्कल चलता है। वैसे ही नेक्स्ट है हमारा टिलेज, टिलेज की वजह से भी क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। लेकिन टिलेज होता क्या है, टिलेज होता है जब आप में से जो लोग गांव के होंगे उन्हें पता होगा कि जब हम खेती करते हैं तो पहले क्या करते हैं, खुदाई करते हैं ना, इसकी जुताई जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं हिंदी इंग्लिश में टिलेज। तो जब टिलेज करते हैं तो क्या होता है कि जो सॉइल होती है ना उसके अंदर CO2 एब्जॉर्ब होता है। कैसे CO2 एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना वो यहाँ पे CO2 अंदर डालते हैं उसके रूट में, राइट। पूरा एक सिस्टम होता है, एक लॉजिकल सिस्टम। लेकिन हमने पेड़ काट दिए, हम इसकी टिलेज करने लग गए, तो जो CO2 जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था वो एनवायरमेंट में बाहर आने लग जाएगा, राइट। जिसकी वजह से क्या होगा, जो एनवायरमेंट है वो मोर हीट वाला हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर फर्दर हीट वेव आएगी। होगा नहीं होगा ऐसे?
होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो आपने देखा होगा किस द ग्राउंड, अगर आपको कभी टाइम मिले तो ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देख लेना। आप इसको कोट भी कर सकते हो अपने एस्से में इसके साथ, टिलिस्ट के एग्जाम्पल के साथ, राइट। सो ये सारे जो रीजंस हैं, कौन कौन से रीजंस हमने देखे, हमने देखा डिफोरेस्टेशन, वेटलैंड डिग्रेडेशन, एग्रीकल्चर, टिलेज, इन सबकी वजह से क्या होता है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, राइजिंग टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट वेव, समझे। इसको थोड़ा याद रख लेना, किस तक रहा हूं, इसको कोट कर देना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रीजन होता है, अर्बनाइजेशन। आप देख रहे हो कैसे ये पेड़ है, हमने अब पहले तो पूरा ही फॉरेस्ट था ना, लेकिन हम क्या लेके आ गए, हम लेके आ गए कॉन्क्रीट जंगल। अब हमें पसंद नहीं है ये ग्रीन फॉरेस्ट, हमें जंगल पसंद है कॉन्क्रीट वाला, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, अपने आप ही हीट वेव होगी। कैसे होगी समझाता हूँ अभी, देखो दिल्ली देखी है, नहीं देखी तो अभी देख लोगे जब पेपर देने आओगे। तो दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, 28 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है दिल्ली में, राइट। एरिया कितना है दिल्ली का, दिल्ली का एरिया है 1483 किलोमीटर स्क्वायर। इतने से एरिया पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। हरियाणा देखा है, हरियाणा की पॉपुलेशन है 25 मिलियन और एरिया हरियाणा का 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। सो आप देख रहे हो कि दिल्ली का एग्जाम्पल क्यों लिया है मैंने, क्योंकि दिल्ली इज अ अर्बनाइज सिटी एंड हरियाणा, मोस्ट पार्ट ऑफ द हरियाणा इज कम अंडर द रूरल एरिया, सो इसलिए मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल लिया, राइट। सो आप कंपेयर करके देखेंगे तो हरियाणा और दिल्ली में पॉपुलेशन का बहुत फर्क है, एरिया का फर्क है। तो पॉपुलेशन रह कैसे रही है, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ अर्बनाइजेशन। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दिया है, हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट कॉन्क्रीट जंगल बना दिया है। क्यों कहते हैं इसे कॉम्पैक्ट कॉन्क्रीट जंगल, क्योंकि आप देखेंगे हाई बिल्डिंग्स हैं जिसमें क्या यूज करते हैं, कॉन्क्रीट यूज करते हैं, सरिया यूज करते हैं, जो क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज, एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट, वो एब्जॉर्ब तो करते ही हैं प्लस उसको रिटेन करके रखते हैं। जब कोई मटेरियल हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उसको रिटेन करके रखेगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो एनवायरमेंट है वो मोर हीटेड हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा हीट वेव। तभी मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था कि दिल्ली प्लेन एरिया में आता है और वहां पे हीट नॉर्मल है, क्यों नॉर्मल है, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूट करता है हीट वेव में, समझे आप। इसीलिए तो कहते हैं ये वाला वर्ड याद कर लेना, UHEI, ये क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अलेक्सा स्टॉप, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, समझे आप। तो अब देखेंगे आप कि कैसे, हमने क्या डिस्कस किया कि अर्बनाइजेशन की वजह से हीट वेव होता है, क्यों, बिकॉज अर्बनाइजेशन क्रिएट अ कॉन्क्रीट जंगल। तो क्या हो गया, कंक्रीट जंगल की वजह से क्या होता है, हीट एब्सॉर्ब होती है और वो रिटेन रहती है। आपने देखा होगा कि जब आप गर्मियों के दिनों पे रोड पे चलते हैं तो कैसे, आपके रोड पे कभी बाइक चलाइए गर्मियों के दिनों पे, आप देखेंगे आपके पैर जलने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो रिटेन कर रही है, क्योंकि वो एब्सॉर्बेंट ऑफ हीट है, वो जो एस्कुलेट होता है ना वहां पे, वो एब्सॉर्बेंट ऑफ हीट है, तो उसकी वजह से हीट वेव होती है, समझे आप। अब आपने तीन रीजन देख लिए, अब आप जाएंगे ऐसे लिखने तो शंभू जैसी कोई स्टोरी बना देना और इनमें से कोई एक रीजन लिख देना, आप लिखेंगे तो आपका अच्छे से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं हीट वेव के,
कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या नहीं होंगे हीट वेव के? डेफिनेटली होंगे ही होंगे हीट वेव के, लेकिन कैसे होंगे? कैसे हीट वेव जो है हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा, कैसे करेगा? शंभू की स्टोरी याद है, कहां वो पहले 400 रुपए कमाता था, अब वो कहां पे आ गया? 200 रुपए पे। तो शंभू से क्या हो गया? शंभू से क्या हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाएगी? शंभू से नहीं होगी, लेकिन शंभू जैसे अगर मिलियंस लोगों के साथ ऐसा होगा तो हमारी इकोनॉमी शटर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एकदम। हम देखेंगे कि इकोनॉमी पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, कि हीट वेव का कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा क्या हो, किस पे होता है? होता है प्रोडक्टिविटी पे। आपने देखा होगा कि आप गर्मियों के दिनों में बिना एसी वाले रूम में अगर पढ़ते होंगे तो आप पाएंगे कि आप ज्यादा देर नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कैसे एग्जॉस्ट हो जाएंगे? ठीक, जस्ट अ मिनट, मैं चार्ज पे लगा लूं। चार्ज, हाँ। तो आप देखेंगे कि आप गर्मियों के दिनों पे ज्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्या होता है? हीट वेव से प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है, वो प्रोडक्टिविटी आवर्स को रिड्यूस करती है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी आवर्स जब आपकी रिड्यूस हो जाएंगी तो आपकी इनकम क्या होगी? इनकम लेवल भी रिड्यूस होगा। और सबसे ज्यादा इसके इफेक्टेड जो विक्टिम्स होंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था विक्टिम्स ऑफ हीट वेव, वो होंगे गिग वर्कर, वो होंगे एग्रीकल्चर फार्मर्स और लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स। तो ये सारे विक्टिम्स ऑफ हीट वेव हैं जो मोस्टली इफेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है बाकी लोग इफेक्ट होंगे, वो भी इफेक्ट होंगे, बट मोस्टली लोग जो इफेक्ट होंगे वो ये होंगे। और आपको पता होगा इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उसकी इनकम जो है 20,000 से कम है, मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो कौन होगी मैक्सिमम पॉपुलेशन? वो ये है जो रिच, जो आपको पता होगा वो किसकी रिपोर्ट थी, ऑक्सफैम, ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट आई थी कि अराउंड 1% रिच पॉपुलेशन इंडिया हैव इक्विवेलेंट मनी टू 60% पॉपुलेशन ऑफ लोअर इनकम। तो आप ये कोट भी कर सकते हैं कि जिस कंट्री में ऑलरेडी इतने लोग पुअर हैं उन पे जब हीट वेव का इंपैक्ट पड़ेगा तो किस लेवल तक पॉवर्टी होगी, आप सोच सकते हैं खुद भी। तो ये इकोनॉमिक इंपैक्ट है, राइट? आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि सेंसस 2011 हुए थे, 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं हुए, लास्ट सेंसस हुए थे 2011 वाले, उसके अंदर बोला था कि इंडिया में 20.9% जो लोग हैं वो बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, 21.9%। इसका ह्यूज फिगर, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1429 मिलियन, कल ही देखा था, इसका 29%, 21%। तो आप देख सकते हैं, थिंक अबाउट कि उन लोगों का क्या होता होगा जो स्लम्स में रहते हैं। कौन लोग थे वो? धारावी वाले, याद आया कल, और औरंगी टाउन वाले, कहां पे था ये? कराची। उन लोगों का क्या हाल होता होगा हीट वेव की वजह से? उनकी इनकम लेवल किस हाइट तक उनकी लेवल कम होती होगी? सो ये हमारा इकोनॉमिक इंपैक्ट है। किस चीज का इकोनॉमिक इंपैक्ट है? हीट वेव का इंपैक्ट है ऑन अवर इकोनॉमी, की प्रोडक्टिविटी आवर्स रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन और ज्यादा नीचे हो जाएगी। मतलब मोर पॉपुलेशन विल कम अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ द हीट वेव, राइट?
बाकी ये सारी रिपोर्ट है ये कोट कर देना। सेकंड इम्पैक्ट क्या होगा? सेकंड इम्पैक्ट किस पे होगा? एग्रीकल्चर पे। क्या होगा देखते हैं, किस लेवल तक इम्पैक्ट होता है एग्रीकल्चर पे। सो आपको पता होगा कि प्राइमरी सेक्टर, तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें अराउंड पॉपुलेशन कितनी है? अराउंड 50 to 60% पॉपुलेशन आर वर्किंग अंडर प्राइमरी सेक्टर। 50 to 60% पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन थी? 1429 मिलियन। इस पॉपुलेशन की 60% हमारी कहाँ काम कर रही है? प्राइमरी सेक्टर पे। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर कहाँ क्या आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 45.5% पॉपुलेशन हमारी वर्किंग है। तो आप सोचो कि अगर एग्रीकल्चर को कुछ हो जाए तो ये जो पॉपुलेशन है इसका होगा क्या? इसकी आहाफ है पॉपुलेशन, 45.5%, इसका क्या होगा अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ हो जाए? तो देखते हैं कि हीट वेव से एग्रीकल्चर पे इफेक्ट क्या पड़ता है, वो इफेक्ट इस पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट डालेगा। तो सबसे हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप यील्ड लेवल। ये यील्ड लेवल क्या होता है? ये होता है प्रोडक्टिविटी की। मान लो कि एक खेत है, वो एक सीजन में, एक रबी सीजन में 15 मेट्रिक टन व्हीट प्रोड्यूस करता है, बट ड्यू टू हीट वेव क्या होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होके 10 रह गई। सोचो कि इससे क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। यील्ड लेवल के कम होने से क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे पहला क्या होगा, फूड प्राइस हाई हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सेकंड थिंग क्या होगा, फूड स्कार्सिटी, फूड भी तो कम हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि हमारा हंगर इंडेक्स में 132 रैंकिंग आउट ऑफ 191 कंट्री। जब हमारे पे अब हमारे पास प्लेंटी ऑफ फूड है तब हमारी ये रैंकिंग है। अगर फूड कम हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू हीट वेव तो हमारी रैंकिंग क्या होगी, हंगर का लेवल क्या होगा हमारी कंट्री में, कभी सोच सकते हो? थर्ड इफेक्ट क्या होगा, फार्मर इनकम रिड्यूस हो जाएगी। कि जब फार्मर का प्रोडक्शन कम होगा तो डेफिनेटली उसकी इनकम कम हो जाएगी, जब इनकम कम होगी तो क्या होगा, तो उसका एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम होगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो इकोनॉमिक जो साइकिल है कि बाय इकोनॉमिक साइकिल कैसे वर्क करती है, कि आप कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं तभी तो इकोनॉमिक साइकिल वर्क करती है। लेकिन आप सोचिए कि इकोनॉमिक साइकिल कैसे कैसे रिसेशन आता है, जब डिमांड कम हो जाती है, जब एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा फार्मर की तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इट कुड लीड टू रिसेशन। होगा नहीं होगा? देख रहे हो कि एक हीट वेव ने कैसे रिसेशन ला दिया है, समझ रहे हो आप? और ये एक रियल फिनोमिना है, आप इकोनॉमी पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा कैसे छोटे छोटे फैक्टर्स कैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और क्या होगा आपको पता है, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट से भी ये नहीं होती कि आप पे जॉब नहीं है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें से एक टाइप है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो कहां पे देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये होती क्या है? ये होती है कि एक फार्म है मानो, ठीक है, इस फार्म में एक एक फैमिली के पास एक फार्म है, ठीक है, इस फैमिली में फादर है, ठीक है, उसके तीन बेटे हैं, चार जने हैं, लेकिन इस फार्म में सिर्फ दो जनों की जरूरत है जो उसको अच्छे से कर देंगे। बट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो फार्म लैंड है और एजुकेशन लेवल कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो ये चारों के चारों यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरत सिर्फ दो की, लेकिन काम चार करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से होता क्या है, फार्म मैकेनाइजेशन। पता है क्या चीज होती है हमारे यहाँ पे, फार्म मैकेनाइजेशन अराउंड 70% है, इसको डाटा को देख लेना, इतना ही कुछ है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ अराउंड 17% हमारे यहाँ फार्म मैकेनाइज है। तो लेस लेवल ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन क्यों होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। अगर हीट वेव आ गई तो क्या होगा कि ये जो
दिस गाय अनएम्प्लॉयमेंट है, ये किधर भागेगी? अर्बन एरिया की तरफ। क्यों? क्योंकि फार्म में प्रोडक्शन कम हो रहा है। हमने देखा था ना यहाँ पे क्रॉप यील्ड कम हो रही है, क्रॉप यील्ड कम होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? ये जो वहां पे पहले से काम कर रहे थे, पहले से ओवरबर्डन था, वहां पे चार लोग काम कर रहे थे, दो दो की जगह थी, लेकिन अब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा? स्कार्सिटी वगैरह होगी, फूड स्कार्सिटी कम होगी, इनकम लेवल कम हो जाएगा, तो अब ये क्या करेंगे, ये माइग्रेट करेंगे अर्बन एरिया की तरफ। अर्बन में क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन वैसे ही है, तो वहां पे और भीड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स है वो प्रोलिफरेट होंगी। क्या होगी? सैनिटाइजेशन, स्लम्स और क्राइम जैसी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि हीट वेव की वजह से सारा कुछ हो रहा है। देखिए आप कैसे हर चीज लिंक्ड है, हर हर एक चीज लिंक्ड है, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि है ना, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि ये आप कोट कर सकते हैं एग्जांपल के, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन एरियाज में क्या हुआ था, इन एरियाज में हीट की वजह से, हाई लेवल ऑफ हीट की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी क्रॉप की वो कम हो गई इन राबी सीजन। सो आप देख रहे हो कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्चुअल में हो रहा है, राइट। और आपको पता हो कि डेयरी फार्मिंग एक चीज है जहां पे ये भैंसों से दूध वूध निकाला जाता है, तो अब जब ह्यूमंस पे हीट वेव का इंपैक्ट पड़ रहा है तो क्या इनपे नहीं पड़ेगा? तो यहाँ पे भी इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा या जो भी होगा वो कम हो जाएगा, समझे आप। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि हीट वेव की वजह से, हीट वेव मतलब हीट वेव सुनने में तो लगता है कि बहुत छोटी चीज है, बट इट इज अ वेरी ह्यूज थिंग, मींस इट कैन क्रिएट हैवॉक इन अवर इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना आप, ठीक है। देखा हमने कैसे क्या क्या देखा हमने प्राइमरी सेक्टर में, देखा कि किस किस लेवल तक थे। तो मेन प्रॉब्लम क्या वहां पे हो रही थी, क्रॉप यील्ड कम हो रही थी, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गए थे, फूड की वो स्कार्सिटी हो गई थी, मींस जो हम पे पहले अनाज ज्यादा था वो कम हो गया, फार्म की इनकम कम हो गई, इनकम कम होगी तो एक्सपेंडिचर कम हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया तो इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ के रिसेशन आ गया। ये हंडर इंडेक्स देखा हमने। फिर हमने देखा कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसकी वजह से कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन में ये माइग्रेट होते थे और यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और ये हमने एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हीट वेव के हेल्थ पे। अब सबको पता है आपको कि धूप में निकलोगे तो हालत खराब हो जाएगी, स्पेशली ये हमारे जो नॉर्थन साइड पे जो गर्मी वाले दिन होते हैं जून जुलाई के महीने में, तो सबसे जो कॉमन थिंग जो होती है वो होती है हीट स्ट्रोक। यार स्पेलिंग देख लेना इसकी, मैं उसे भूल जाता हूँ कभी कभी, स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन दो जो कॉमनली प्रॉब्लम्स होती है हीट की वजह से, वो हमें हीट वेव से ज्यादा देखने को मिलती है। ये होता कैसे है? बिकॉज एक बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है। आपने कभी सोचा है कि स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग पसीने को कहते हैं। स्वेटिंग का रीजन होता है, स्वेटिंग एक है ना बॉडी का मैकेनिज्म होता है बॉडी का टेम्परेचर को कूल करने के लिए, ये रिड्यूस करता है। बट ड्यू टू जब ओवर हीट हो जाती है 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाती है तो ये मैकेनिज्म फेल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है हीट स्टॉक और हीट एग्जॉशन की, ठीक है। फर्दर अगर ये फेल होता है तो और क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, फेंटनेस, चक्कर आ जाते हैं, डिजीनेस, जी मचलाता है, उल्टी वगैरह आती है, फटीक, काम करने का मन नहीं करता, थका थका फील करते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी मैं बताता हूँ कि ये छोटी सी दिख रही है प्रॉब्लम, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है। हैवी स्वेटिंग होती है, नोजिया होगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, लास्ट में जो सीवियर होती है वो होती है डेथ, सबसे
सीवियर हीट वेव की प्रॉब्लम होती है डेथ। कभी सुना है राजस्थान जैसे एरिया में एक विंड चलती है जिसे कहते हैं लू, तो जब वहां पे आप भी जाओगे तो वो देखोगे कि वो सफेद रंग का कुछ ओढ़ के चलते हैं ताकि लू ना लग जाए, उससे क्या होता है ये सारी प्रॉब्लम्स होती है लू की वजह से और लास्ट में डेथ हो जाती है। आपको आपको एक बता देता हूँ कि एक रिसर्च हुई थी, किसने करी थी, वो टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट, टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट की रिसर्च हुई थी। इसने कंक्लूड कराया था कि एनुअली रिसर्च हुई थी, एक रिपोर्ट आई थी इसकी, एनुअली 1.5 मिलियन अराउंड 1.5 मिलियन पीपल डाई ड्यू टू हीट इंड्यूस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। कि अराउंड 1.5 मिलियन की डेथ होती है किसकी वजह से, हीट वेव की वजह से। आप सोच सकते हो कि कितना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम जस्ट कहते हैं हीट वेव है, तो ये थोड़ा सा याद रखना कि हीट की ओवर हीट की वजह से क्या होता है, जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है, बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से सेवरल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि फाइनली डेथ में कन्वर्ट हो जाती हैं। और इसकी एक टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट की रिसर्च हुई थी जिसमें ये फाउंड हुआ था कि 1.5 मिलियन अराउंड वर्ल्ड डेथ होती है हीट वेव की वजह से। ठीक है, तो ये हमने क्या डिस्कस किया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे हीट वेव के। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम हीट वेव को, अरे यहां तो इतनी जल्दी कैसे आ गए, अरे डिस्कस कर लिया हमने ये। हाँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब लैमिनेट कैसे करें उस हीट को, कैसे हम हीट वेव को इलेमिनेट कर सकते हैं, क्या क्या हम सॉल्यूशंस ले सकते हैं कि हम हीट वेव को इलेमिनेट कर दें। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला था कि सर एक स्कीम भी तो हम इसमें लिख सकते हैं। बिल्कुल स्कीम लिख सकते हैं, लेकिन स्कीम लिखने का फायदा तब होना चाहिए जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि किस प्रॉब्लम के लिए स्कीम है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे मतलब हीट वेव को हमें अगर टैकल करना है तो हीट वेव के सोर्सेज हमने डिस्कस कर लिए थे कि सोर्सेज क्या होता है, कि हमने देखा था यहाँ पे कि मेन रीजन क्या था हीट वेव का, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ठीक है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्बनाइजेशन, ये सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम इनको ठीक कर दें इस लेवल पे, ये इनको ठीक कर दें तो ऑटोमेटिकली हीट वेव कम हो जाएगी और उसके कॉन्सिक्वेंसेज अपने आप खत्म हो जाएंगे, राइट। तो हम सॉरी इसको तीन लेवल पे इसको डिवाइड करते हैं इसके सॉल्यूशन को, एक गवर्नमेंट लेवल, एक कम्युनिटी लेवल और एक इंडिविजुअल लेवल, राइट। ठीक है, तो गवर्नमेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट हीट वेव को रिड्यूस कर सकती है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट शुड कम अप विद हीट वेव एक्शन प्लान। राइट, एक प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट के पास हीट वेव को टैकल करने का, राइट। जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी होती है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि हीट वेव एक्शन प्लान में अब होना चाहिए गवर्नमेंट के पास हीट वेव एक्शन प्लान, जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो हम देखेंगे इट शुड बी हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि जब हीट वेव आए उससे पहले लोगों को बता दे ताकि लोग अपने प्रिकॉशन ले सके। अवेयरनेस, कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे, रेडियो, टेलीविजन, सो जो पहले से सिस्टम हमारे पास एस्टेब्लिश है उनका यूज करके हम सॉल्यूशन को देखेंगे। हम कुछ नया रिकमेंड नहीं करेंगे कि ये बॉडी एस्टेब्लिश कर दो, वो बॉडी एस्टेब्लिश कर दो। हमको पहले से पता है कि गवर्नमेंट जो है अंडर फाइनेंशियल क्रंच है, अगर हम ऐसा कुछ बता देंगे जिसमें खर्चा होगा तो वो सॉल्यूशन
वायबल नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो इमेजिनरी रह जाएगा हमेशा। लेकिन जो करेंटली सिस्टम हमारा है जैसे रेडियो टेलीविजन, इसमें तो कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है ना। हमारे पास गवर्नमेंट के चैनल्स है, जैसे PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो हम ऐसी बॉडी का यूज करके क्या कर सकते हैं कि अवेयरनेस को फैला सकते हैं कि हीट वेव के कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं, हीट वेव कैसे होता है, तो ताकि प्रिकॉशन ले सके टाइमली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक कर दो। तो जो पहले से हो रखा है उसको तोड़ के तो बनाएंगे नहीं, लेकिन फर्दर जो होता है उसको कंट्रोल करो। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग है उसको प्रॉपरली मैनेज करो। राइट, तो क्या होगा कि हम हीट वेव का इफेक्ट कम कर सकते हैं। फर्दर क्या होगा, अब आपको पता है कि स्टेट दो टाइप की होती है, सेंटर होती है और ये स्टेट होती है। ठीक है, अब इनका कोलाबोरेशन होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट लड़ती रहती है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लड़ती रहती है सेंटर से किसी किसी इशू पे, लेकिन हमको एक कॉमन प्लेटफॉर्म ढूंढना होगा डिस्कशन का। तो वो क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म कॉमन, हमें पता है नीति आयोग हमारे पास है या नहीं है, कोई नई बॉडी स्टैब्लिश करनी है नहीं। तो नीति आयोग क्या करता है, ये कॉम्पैक्ट ये क्या करता है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सके, जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सके और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और एक है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है। सो इंडिया क्या कर सकती है कि इंडिया कैन इन गो थ्रू बाय इट एंड मेक अ पॉलिसी टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऐसा हम भी कुछ कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस में आ गया। अब हम कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं, हमने देखा है गवर्नमेंट क्या क्या कर सकते हैं डिजास्टर को, इस क्योंकि हीट वेव मीन्स आपने देखा कि इसके कितने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज है, तो डेफिनेटली हीट वेव इज अ डिजास्टर। तो डिजास्टर को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट लेवल पे हमने देख लिया हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि एज अ कम्युनिटी वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग म्यूचुअली। सो सबसे पहले हीट वेव हमने देखा था कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रहा था नहीं हो रहा था, पेड़ काट रहे थे उसकी वजह से होता है, CO2 सिक्वेस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो एफोरेस्टेशन हम कर सकते हैं, कहाँ पे करेंगे, कम्युनिटी लैंड पे। आपने देखा होगा कि शहर वगैरह में पार्क होते हैं, मैक्सिमम पार्क है वहां पे बंजर की तरह रहते हैं, ऐसे वहां पे लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं। राइट, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आप बोलेंगे हम क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, या क्रिकेट खेलना ज्यादा जरूरी है या फिर एनवायरमेंट को बचाना ज्यादा जरूरी है। तो हम कम्युनिटी लेवल पे अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। जो आप गांव से होंगे उनको पता होगा FPOs होते हैं। राइट, ये फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यहाँ पे थ्रू अवेयरनेस हम क्या कर सकते हैं कि उनको बता सकते हैं व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टिलेज। अभी देखा था हमने टिलेज की वजह से क्या हो रहा था कि मिट्टी में से CO2 बाहर निकल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अवेयरनेस फैला सकते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, उनको ये दिखा दो मूवी किस द ग्राउंड, उनको कुछ समझ आ जाएगा। राइट, तो हम इस टाइप के सॉल्यूशन भी रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ये इसे मजाक करने के लिए बोल रहा हूँ, ये मूवी दिखाने से बिल्कुल समझ आ जाएगा उनके। तो क्या कर सकते हैं, FPO क्या कर सकते हैं, FPO क्या कर सकते हैं कि एक कॉमन वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये फार्मर्स की, क्योंकि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कर सकते हैं, मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दो, मीटिंग में एक ये मूवी दिखा दो कि व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सॉइल टिलेज। तो वो प्रमोट करेंगे सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन की वजह से CO2 इमिशन नहीं होगा और ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट कूल हो जाएगा और हीट वेव खत्म हो जाएगी। होगी या नहीं होगी आप खुद बताओ, डेफिनेटली होगी। आर्टिफिशियल लेक ये कर सकते हैं हम, आपको पता है जो MG नरेगा है, मनरेगा जिसे कहते हैं,
इसका वर्क क्या है? ये कंक्रीट समथिंग डेवलप करता है. कंक्रीट मीन्स वो कंक्रीट नहीं, ये कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करता है, राइट. सो मनरेगा को हम डाइवर्ट कर सकते हैं टू डेवलपिंग आर्टिफिशियल लेक्स, राइट. ऐसे जो प्यालाज और लेक्स होते हैं राजस्थान में, वो डेवलप कर सकते हैं ताकि जो हीट वेव का इम्पैक्ट है, क्योंकि हीट वो एब्जॉर्ब कर लेंगे ना लेक्स वगैरह जो होंगी, और एब्जॉर्ब कर लेंगे तो डेफिनेटली एनवायरमेंट में से हीट कम हो जाएगी और हीट वेव खत्म हो जाएगी, ठीक है. वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, रिन्यूएबल चीजें यूज कर सकते हैं. तो वैसे तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ 75% कुछ जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, किससे होता है, कोल कोल बेस्ड प्लांट से. लेकिन हम रिन्यूएबिलिटी तो यूज कर सकते हैं ना, सोलर पैनल लगवा लो घर में, क्या होगा. आप अपने गांव में देखा होगा जो खेतों में ढाणी वगैरह होती है, वहां पे वो सोलर पैनल लगा लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है लेकिन पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है. तो ये हम सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं. और बाकी इतने सॉल्यूशन तो बहुत हो गए, और भी करना चाहे तो कर सकते हो आप. अब इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि हीट वेव आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं. देख रहे हो पानी पी रहे हैं बंदे, तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, कभी बाहर जाना हो, आउटडोर करनी हो, तो वाटर बॉटल साथ रख लो. ये सॉल्यूशन छोटे छोटे हैं लेकिन इनके इम्पैक्ट बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है. वाटर बॉटल साथ रख लो, अवॉइड करो एक्सट्रीम हीट में बाहर जाना, ठीक है. अल्कोहल हो गया, कैफीन हो गया, ये क्या करता है, ये डिहाइड्रेट करती है बॉडी, तो इसको अवॉइड कर दो. कर सकते हैं, नहीं कर सकते. सस्टेनेबल कूलिंग, आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग होती है 10 फ्लोर है, तो 10 के 10 एसी लगा रखे हैं. इस एसी से क्या हो रहा है, हीट एग्जॉशन हो रहा है ना, हीट निकल रही है यहाँ से बाहर. ये कहाँ जा रही है, एनवायरनमेंट में जा रही है. एनवायरनमेंट जाके क्या कर रही है, एनवायरनमेंट जाके एनवायरनमेंट को हीट अप कर रही है, हीट बढ़ा रही है आपकी, तो जिससे हीट वेव आ रही है. तो सस्टेनेबल कूलिंग क्या सॉल्यूशन होता है, रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं, एशियन पेंट होते हैं ना, उसी के भी उसके भी आते हैं, रिफ्लेक्टिव पेंट आते हैं, जिससे क्या होता है अराउंड 4 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है. आपने देखा था धारावी, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो देखेंगे जहां पे रिफ्लेक्टिव पेंट यूज करके धारावी जैसे झुग्गियों में टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है, क्योंकि वो तो ऐसे यूज नहीं कर सकते ना, तो वो रिफ्लेक्टिव पेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो आज के लिए इतना ही, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था. सॉल्यूशंस में हीट वेव एक्शन प्लान था, ठीक है. उसके बाद ये नीति आयोग का यूज करके वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दो ताकि कोलाबोरेशन कर ले. सेंडाई फ्रेमवर्क हो गया, ठीक है. ये एफोरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन, आर्टिफिशियल लेक, मनरेगा ये यूज करके कंस्ट्रक्शन, आर्टिफिशियल लेक बना दो, रिन्यूएबिलिटी, सोलर पैनल जैसी चीजें यूज कर सकते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे हाइड्रेशन हम कर सकते हैं, अवॉइड हीट की, जब जो दिन का मैक्सिमम जब हीट होती है उस टाइम जाना अवॉइड कर दो, बाद में आगे पीछे चले जाओ सन को. ये सस्टेनेबल कूलिंग को यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिव पेंट जैसे एग्जांपल लिया था, और धारावी में ये एक्चुअल में ये परफॉर्म हुआ था टास्क, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. धारावी धारावी की एक पर्टिकुलर झुग्गी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि उसके पास वाली जो इसके अंदर टेम्परेचर था 35 to 37 डिग्री, और इसके अंदर टेम्परेचर था 40 अराउंड 42 डिग्री टेम्परेचर था. यहाँ पे रिफ्लेक्टिव पेंट यूज हुआ था, यहाँ पे कुछ यूज नहीं हुआ था. सो ऐसा करके भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो थैंक्स फॉर टुडेज डिस्कशन. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल. लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स.